उनसे उनको जानकर ही हम ये सीखने को मिलता है कि आज हम अपने अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव करें। और सांस्कृतिक रूप से देखें तो संस्कृति जो कि हमारे वेशभूषा कल्चर रहन सहन को दर्शाती है, आज हम एकदम अलग स्थिति में हैं और प्राचीन समय में कुछ अलग स्थिति में थे। क्या हमारे देश को एक विशिष्ट पहचान दे सकता है और क्या हमारे देश को एक निम्न लेवल पर निम्न श्रेणी में ले जा सकता है, इन सब चीजों को हमें जानने का मौका मिलता है इतिहास के द्वारा। तो धरोहर विश्व धरोहर सप्ताह देखा जाए तो इसको अगर हम जागरूक होते हर वक्त जागरूक होते तो हमें ये आज एक सप्ताह के रूप में मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम आज जागरूक नहीं है इस वजह से हमें एक विशिष्ट सप्ताह चुनना पड़ रहा है और लोगों को आमंत्रित करना पड़ रहा है। अगर हम जागरूक रहें तो हमें किसी को आमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमें एक सप्ताह के रूप में विश्व धरोहर सप्ताह मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धरोहर से एक तरीके से मुझे लगता है एक तीसरा पक्ष ये जुड़ा हुआ है कि इस किसी भी देश में जहाँ भी धरोहर सुरक्षित है वहां पर एक विशिष्ट मतलब प्रांगण होता है किसी भी धरोहर स्थल का। उस धरोहर स्थल के आसपास में हम बाग बगीचे भी लगाते हैं, तो इसका एक तीसरा पहलू ये भी हो सकता है कि हम पर्यावरण संरक्षण एक तरीके से कर रहे हैं। तो धरोहर सप्ताह तो सबसे आज जो ज्वलन होता है हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है सबसे ज्यादा हमें जरूरत है, तो पुराने जो भी हमारे धरोहर है उन्हें हम संरक्षित करें, साथ में जो पेड़ पौधे हैं उन्हें विनष्ट ना करें और जो नए आज जो कोशिश कर सकते हैं कि नए पार्क बाग बगीचे लगाएं, नए मतलब क्या कहा शब्द नहीं मिल रहे मुझे, नए दार्शनिक स्थल बनाए जाने चाहिए, उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि हम पुराने जो कि हमारे मिट चुके अवशेष हैं उनको संरक्षित भी कर सके, साथ में नए स्थलों को का निर्माण करके अपने पर्यावरण को भी संरक्षित कर सके, साथ में पर्यटकों को आमंत्रित कर सके जिससे हमारा अर्थव्यवस्था ज्यादा उन्नत हो सके और हमें ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके कि हम स्वस्थ जलवायु का आनंद ले सके और स्वास्थ्य को बनाए रख सके। धन्यवाद। मालविका जी, आपने बिल्कुल सही कहा, धरोहरें सिर्फ हमारे इतिहास के ज्वलंत प्रमाण ही नहीं है बल्कि अगर आज हम अपने दैनिक जीवन में भी उनका उपयोग देखें तो कहीं ना कहीं वो हमारे आर्थिक और सामाजिक जीवन को पूरे जोर शोर से पूरे असरदार तरीके से प्रभावित करती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने सारनाथ है, कहने को तो यह महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ जो है, लेकिन अगर हम उसके दूसरे पक्ष को देखें तो यह हजारों लोगों की रोजी रोटी के जीविका कमाने का एक माध्यम भी है। तो धरोहरों को सिर्फ धरोहर की तरफ अगर हम ना भी लें, अगर उन्हें हम अपनी आजीविका के साधन के रूप में भी अगर देखें तो भी हमको उनके संरक्षण की प्रेरणा मिलती है, उनके संवर्धन की प्रेरणा मिलती है। अब मैं श्री मुकेश कुमार तिवारी जी को यहाँ बुलाना चाहूँगा। ये फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और रंगमंच के कलाकार भी हैं, ये आप लोगों के सामने अपने विचार रखेंगे।